मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर मंजर से गायब हैं। 10 घंटे बाद ख्याल आ ही गया मंजर आम पर आए और दावा किया 10 बजे तक बिजली बहाल हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोशिश है डेडलाइन से कबल बिजली बहाल कर दी जाए। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, सकर में बिजली तकसीम कार कंपनीज को बिजली जुजवी बहाल कर दी है। वापडा और के इलेक्ट्रिक को बिजली की जल्द अज जल्द बहाली के लिए करीबी रवाबित में है। वजीर तवानाई जाते जाते ये दावा भी कर गए कि कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया। निज़ाम जो है उसमें किसी किस्म का खलल और खराबी या कोई हादसा नहीं हुआ। बिजली का तरसीली निज़ाम महफूज है। कुछ बिजली जो है वो बलूचिस्तान में बहाल की है और कुछ बिजली पंजाब के जनूब में भी बहाल की है। कराची इलेक्ट्रिक को जुजवी तौर पर बड़े महदूद पैमाने पर उन्होंने भी अपनी बहाली का आगाज कर दिया है और अनकरीब वहाँ भी जैसे जैसे नेशनल ग्रिड बहाल होगी हम उसको लेकर आगे चल बहाली की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ रुकावटें आई हैं पाकिस्तान का जो हाइड्रल सिस्टम है उसको दोबारा चालू करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। 2022 मॉनसून को भी देख लिया पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।